हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए रेलवे के 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आ चुके हैं। 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो रेलवे के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, ये कथन किसने कहा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का विपेक्षणपण होता है तो निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विचलन होता है? तो इसका राइट आंसर है बैंगनी रंग। कौन सा है? बैंगनी रंग होता है। सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, समतल और उत्तल दर्पण से बनता है। ऑप्शन नंबर आपका एक है, वो बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि माउंट एटना है, ये क्या है? एक ज्वालामुखी का है, ये एक प्रकार की ज्वालामुखी। इस प्रश्न के बारे में ध्यान में रखना है, जो रेलवे के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं। अहिंसा आंदोलन वर्ष 1922 में क्यों वापस ले लिया गया था? तो इसका जो प्रमुख कारण था, चोरा चोरी कांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था। तो मैं आपको 40 इंपॉर्टेंट रेलवे के क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहे दोस्तों। अगला है डंकन मार्ग। डंकन मार्ग किससे मध्य है? तो दोस्तों, डंकन मार्ग है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है कि दीपवंश प्रसिद्ध दीपवंश किस रचना से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है, जो रेलवे किससे संबंधित है? श्रीलंका से है। तो इसको ध्यान में रखना, ये कहाँ से संबंधित? श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। वही हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। वही बात करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंतर्गत है? तो ये गोवा के अंदर है। दोस्तों, गोवा की बात करें, गोवा की राजधानी पणजी है, मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर है, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है, बिहार की राजधानी जो पटना है, वो आपके गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। तो इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन और स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता निम्न में से समता करती हुई जल के अपघटन के कारण क्या होता है? जल के अंदर अपघटन होता है इनके कारण। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पहली कृषि संबंधित जनगणना किस वर्ष करवाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है, 1970 के अंदर पहली कृषि संबंधित जनगणना करवाई गई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर है। निम्न में से कार्बन की प्रतिशत मात्रा में सबसे कम होता है? तो वो पिटवा लोहा। क्या होता है? पिटवा लोहा आपका राइट आंसर है। क्या है? पिटवा लोहा राइट आंसर है। अगला है, शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य किसको बनाए रखता है? तो दोस्तों, इसमें जो शरीर का जो सबसे ज्यादा जो सोडियम और पोटेशियम का मतलब होता है रक्त का ताप। क्या है? रक्त का ताप को कंट्रोल में रखने का कार्य करता है। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में इंद्र क्या है? दोस्तों, इंद्र एक रडार है। इंद्र इसकी क्या है? इंद्र एक प्रकार की रडार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी। कंप्यूटर में सी आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन से बनी। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन से बनी गई है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? तो इसका जो नाभिकीय रिएक्टर की बात करें तो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा जो काम करता है वो करता है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम आपका राइट आंसर है। निम्न योजना और विशेषता को सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो योजनाएं दे रखी है और दूसरी आपकी विशेषता दे रखी है, इनमें से अलग कौन सी है? तो दोस्तों, इसमें देखिए, पहला प्राथमिक योजना सामुदायिक से, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। इसमें पूछा गया कि गलत है। तो दोस्तों, द्वितीय उद्योग, ये देखिए, ये भी सही है और ये भी आपका सही है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, तीसरा है वो कृषि आधारित है, चौथा गरीबी उन्मूल नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद के अंदर है, बाबर का काबुल, जहांगीर का लाहौर, लेकिन जो शाहजहां का है वो आपका दिल्ली के अंदर नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर आपका डी है, वो आपका राइट आंसर है। यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाया दिया जाए तो किसका प्रतिरोध होता है? तो दोस्तों, इसमें हमेशा घटता है। क्या होता है? इसमें हमेशा घटता रहता है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधित प्रस्ताव
निम्न में से सम्मिलित है? तो भारत और पाकिस्तान का हुआ माउंट बैटन, कौन सा है? माउंट बैटन योजना के माध्यम से प्रभावित। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी है, वो आपका राइट आंसर है। पूर्व और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, तो दोस्तों ये जो मिलते हैं तमिलनाडु के अंदर मिलते हैं, और नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पर्वत है यहाँ पर जो आपका नीलगिरी पर्वत है, और यहाँ पर दोस्तों आपका जो जो पूर्वी और यहाँ पर जो पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? नीलगिरी। तो नीलगिरी कहाँ है दोस्तों? तो नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तरल पदार्थ का घनत्व, देखिए तरल पदार्थ का जो घनत्व गर्म करने पर क्या प्रभाव होता है? तो इसमें कम हो जाता है, क्या हो जाता है? प्रभाव है, कम हो जाता है। वायुमंडल और ओजोन पर्वत में क्षय होने की प्रमुख कारण क्या है? क्षय होने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों अगर ये सही हो जाता है, इसका जो प्रमुख कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जेनेटिक में किया जाता है राइबोसोम, किसका प्रयोग किया जाता है? राइबोसोम का प्रयोग किया जाता है। वित्त आयोग क्या है? तो ये पंचवर्षीय इकाई क्या है? प्रत्येक 5 साल में इसका निकाय होता है। वित्तीय आयोग क्या है? पंचवर्षीय एक प्रकार का निकाय, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। कृष्ण देवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्ण देवराय बाबर के समकालीन, किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक आपका राइट आंसर है। प्रभावपूर्ण मांग की रोजगार सिद्धांत दिया था, तो ये किसने दिया था? किन्स ने दिया था, किसने दिया? किन्स के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, उत्पत्ति हर्ष निम्न में से अंतर्गत औसत उत्पादन घटता है, कुल उत्पादन भी घटता है और सीमांत उत्पादन भी होता है, वो होता है ऋणात्मक, क्या होता है? ऋणात्मक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऋणात्मक आपका राइट आंसर है। गर्भाशय में शिशु के विकास की योजना हेतु किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों इनकी जांच के लिए अल्ट्रासाउंड किरणें, कौन सी किरणें? अल्ट्रासाउंड किरणें का प्रयोग किया जाता है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर हुआ। कहाँ हुआ सबसे पहले? ब्रिटेन आपका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ब्रिटेन आपका राइट आंसर है। स्फूर्ति एवं मुद्रा, देखिए स्फूर्ति मूल्य मुद्रा के काल में पर जो मुद्रा का काल है वो आपूर्ति होती है घटने पर, बढ़ने पर, समान या फिर समानुपाती। तो इसका राइट आंसर है बढ़ने पर। क्या है? बढ़ने पर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर है। अगला पूछा है कि जनसंख्या का सबसे घटते क्रम में आपको बताना है कि कौन कौन सा जो घटता क्रम है उससे संबंधित पूछा गया है। तो दोस्तों ये घटते क्रम के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले जो घटते क्रम आएगा आपका दिल्ली आएगा, उसके बाद में चंडीगढ़, उसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद में केरला, तो सबसे लास्ट में केरला। तो ऑप्शन नंबर आपका एक आपका राइट आंसर है। अकबर के, देखिए अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायित्व था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है टोडरमल, कौन था? टोडरमल था। शुष्क सेल का एनोल्ड, देखिए शुष्क सेल का एनोल्ड किससे बन जाता है? तो एनोल्ड बनता है जस्त से, कौन सा बनता है? जस्त आपका राइट आंसर है। पल्लवों में एकाश्मी रथ कहां से मिलता है? इसका जो राइट आंसर है महाबलेश्वरपुरम, क्या है? महाबलेश्वरपुरम, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर है। निम्न में से संपत्ति के श्रम सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? वो करता है जे एस मिल, क्या है? जे एस मिल का आपका राइट आंसर है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तार्किक प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 20, कुल कितने? 20 आपका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 20 है। अगला देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से वे हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर इज दयाराम साहनी आपका राइट आंसर है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर आधारित बनने का अधिकार किसके था? तो राज्य संघ, और आपको संघ और राज्य संघ दोनों आपको ध्यान रखना है, राज्य और केंद्र संघ दोनों संघ आपका शामिल है, ऑप्शन नंबर एक। अंतिम क्वेश्चन से ये क्या है? क्लोरोमाइसिटिक्स क्या है? तो एक प्रकार का प्रति जैविक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहे। 10 मिनट में 40 प्रश्न कैसे लगे हमें जरूर बताएंगे। धन्यवाद।